डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है हैंडलिंग डेटा। साइंटिफिक इंफॉर्मेशन इज समटाइम कॉल्ड डेटा। साइंटिफिक इंफॉर्मेशन को समटाइम डेटा कहते हैं। वेरी ऑफन एंड एक्सपेरिमेंट गिव्स यू लॉट ऑफ डेटा। बाज़ुकात आपको एक्सपेरिमेंट बहुत ज़्यादा डेटा देता है। हम एक्सपेरिमेंट से बहुत ज़्यादा डेटा हासिल करते हैं। डेटा इज वेरी यूजफुल If you organize and present it in the most appropriate way, डेटा हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है अगर हम इसे ऑर्गेनाइज करें, प्रेजेंट करें मुनासिब तरीके से। नाउ डेटा को ऑर्गेनाइज करने का एक तरीका टेबल्स हैं। पुटिंग डेटा इन अ टेबल इज वन वे ऑफ डिस्प्लेइंग इंफॉर्मेशन। डेटा को टेबल के अंदर पुट करना इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करने का एक तरीका है। दिस वेदर चार्ट इज एन गुड एग्जाम्पल। ये हमारे पास एक वेदर चार्ट है, इसमें बताया गया है कि नाइट टाइम पर क्लाउड की अमाउंट क्या होती है और डे टाइम में क्या होती है। तो वेदर चार्ट के अंदर हमने इंफॉर्मेशन को पुट करनी है और देखना है किस तरह से टेबल डेटा को ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करता है। Information is collected together and you can compare the result quite easily. Table के अंदर information को एक साथ रखा गया और हम results को compare करेंगे। However, a table contains lot of information can be confusing and boring to look at. Table के अंदर क्योंकि बहुत ज़्यादा information होती है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की वजह से रिजल्ट को इवेल्यूएट करना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग और बोरिंग होता है। दिस इज व्हाई डेटा इज आल्सो प्रेजेंट इन ग्राफ्स। इसलिए डेटा को ग्राफ्स के अंदर भी प्रेजेंट किया जाता है। अब मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि टेबल के अंदर किसी भी चीज़ को ढूंढना पड़ता है और हम बाय लुक एक नज़र में देख के नहीं बता सकते कि एक्चुअल में रिजल्ट क्या है। जैसे अगर हम देखना चाह रहे हैं कि नाइट टाइम टेम्परेचर सबसे कम कब होगा, थर्ड डे पे होगा जो कि कितना है -1°C, और -1°C टेम्परेचर पर क्लाउड कितने होंगे, नो क्लाउड होगा। और सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कब होगा और कितना होगा, डे टाइम टेम्परेचर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर 18°C होगा और इधर भी क्लाउड होंगे, नो। Now bar charts. A bar chart shows the result of an experiment as a picture. Bar chart के अंदर experiment के results को as a picture show किया जाता है। You can see at a glance what the result shows. हम एक नज़र में देख के बता सकते हैं कि graph के अंदर result क्या show कर रहा है। This bar chart shows द हाइट्स ऑफ अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। इस बार चार्ट के अंदर ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स की, डिफरेंट स्टूडेंट्स की हाइट शो की गई है। नाउ लुक हियर, हाइट ऑफ स्टूडेंट्स इन सेंटीमीटर एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो अब आप देख के क्या एक नज़र में बता सकते हैं कि सबसे ज़्यादा हाइट कितनी है और कितने स्टूडेंट्स की है। तो सबसे ज़्यादा हाइट 160 है और ये कितने स्टूडेंट्स हैं जिनकी 160 सेंटीमीटर है, 4 स्टूडेंट्स। तो 4 स्टूडेंट्स की हाइट सबसे ज़्यादा है जो कि 160 है। सो बार चार्ट में रिजल्ट को शो करना और उनसे रिजल्ट इवेल्यूएट करना थोड़ा आसान होता है एज़ कम्पेयर टू टेबल। टेबल के अंदर रीडिंग को रीड करना, रिजल्ट इवेल्यूएट करना थोड़ा कन्फ्यूजिंग और बोरिंग होता है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।